हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ नैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई जिसका नेम है स्वेट एनालाइज। तो आज हम स्वेट एनालाइज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वेट एनालाइज। ये स्वेट है क्या चीज़? ये है SWOT, स्वेट कहते हैं इसको। और इसके मैं फुल फॉर्म बताऊंगी और इसका मैं बताऊंगी कि आपके जीवन में क्या इफेक्ट डालता है स्वेट। तो इससे आप किस तरीके से अपने आप में इम्प्रूव ला सकते हो, अपनी स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हो, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस, पहले हम बात करते हैं एस। एस मीन्स होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, अब आप सोचेंगे स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ वो जो आपको अच्छा लगता है करना, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी जो है स्किल है, ये आपको स्ट्रेंथ के अंदर लाती है। जैसे आपको गाड़ी चलाना है अच्छा लगता है, आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, आपको जो है सर्विस करना अच्छा लगता है, आपको जो है रिसेप्शन पे खड़ा होना अच्छा लगता है, आपको यहाँ तक कि फ़ोन चलाना अच्छा लगता है, आपको यहाँ तक कि फ़ोन को ठीक करना अच्छा लगता है। ऐसे फ़ोन आपका ख़राब हो गया, आपको ठीक करना हो, या फिर आप जानबूझ के ख़राब करके फिर इसको ठीक करते, ये आपकी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा ट्रैवलिंग, ये भी आपकी जो है स्ट्रेंथ है। इसके अलावा जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर चलाना, ये आपकी स्ट्रेंथ है। सेल करना, ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। आपको जो है अकाउंट्स प्रॉपर आना और आपको अकाउंट्स अच्छा लगता है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और आपको जो है जैसे कोई बजट बनाना, ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। तो ये सब जो है आपकी स्ट्रेंथ है। जो भी आप करते हो, जैसे कुकिंग आप करते हो, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। और आपको जो है गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो और ये सब जो है आपकी स्ट्रेंथ है। अब हम बात करते हैं W, वीकनेस। वीकनेस क्या होती है? आपको जैसे आपको लेट जाना, आप लेट हो जाते हो, लेट जाना आपको पसंद है, टाइम से नहीं पहुंचते, ये आपकी वीकनेस है। आप जो काम करना चाहते हो वो टाइम पर नहीं कर पाते, ये आपकी वीकनेस है। आपकी वीकनेस है कि आप गाड़ी चलाना चाहते हो बट आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, ये आपकी वीकनेस है। आपको जो है कुकिंग करना अच्छा लगता है बट कुकिंग नहीं आती, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, बट अंदर से फीलिंग आपको जो है आती कि मैं कुकिंग करूं। सामने लोगों देख के या अपनी मदर को देख के आप चाहते हो कि मैं भी कुकिंग करूं, या फिर आप जब करते हो तो आपसे वो प्रॉपर डिश नहीं बनती जो आपकी मम्मा आपके लिए बनाती हैं। तो ये आपकी वीकनेस है। आपकी वीकनेस है कि आप जो है टाइम पर जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया वो टाइम पर आप सबमिट नहीं करते हैं, आप टाइम पर नहीं पहुंच पाते मीटिंग के अंदर, ये आपकी जो है वीकनेस है। तो वीकनेस आपको पता चल गई कि आपकी वीकनेस है क्या चीज़। वीकनेस वो है कि जो आप करना चाहते हो वो आपसे होता नहीं है। टाइम पर जाना चाहते हो, टाइम पर आप नहीं पहुंच पाते। आप कुछ नया करना चाहते हो, सोचते हो, बट आपसे नहीं होता, ये सारी आपकी जो है वीकनेस है। अब हम बात करते हैं ONT, लास्ट में बचा है ONT। ONT जो है ये आपके जो पहले मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है SW, ये इस पर डिपेंड करता है। अगर ये चीज़ आपके पास मतलब ये चीज़ जो है इसी से रिलेटेड आपकी जो है ONT बनता है। O का मीन्स होता है अपॉर्चुनिटी एंड T का मीन्स होता है थ्रेट। तो हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी मीन्स वो कि जैसे आपकी जो वीकनेस है, आपको गाड़ी चलानी है बट आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आपको गाड़ी सीख लेनी है कि ये मेरी जो है अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको हासिल करके ही रहूँगा। मेरे को जो है होटल मैनेजमेंट के कोर्स में मुझे जाना है बट मैं जा नहीं पा रहा डर के मारे कि पता नहीं मेरा फ्यूचर कैसा होएगा। सामने आकर मैंने अपने फ्रेंड का देखा, उसका फ्यूचर अच्छा नहीं है और मैं नहीं जा पाया। और फिर आप जो है ये सोच रहे थे कि कुछ नहीं होता, देखी जाएगी, बट मैं इसमें एंटर करूँगा, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आपने जो है आपने डिग्री कर ली है, डिप्लोमा कर लिया है, उसके बाद आप घर बैठे हो, फिर उसके बाद जो है आप ज्वाइन करते हो एक इंडस्ट्री को, एक होटल में आप ज्वाइन करते हो कि कुछ नहीं होता, मैं 15 घंटे 18 घंटे करने के लिए मैं तैयार हूँ, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आप डिग्री कर रहे हो, डिग्री करते करते आपने अपना गोल सेट कर लिया और आपने सोचा कि मुझे जो है शेफ बनना ही है, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। आपने सोच ली कि मुझे बिजनेस करना है और आपने जो वीकनेस में आपने सोचा था कि मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा बट आपने बिजनेस कर लिया, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट आपका ये है कि जो आप करना चाहते थे और वो आप अपना जो है नहीं कर पाए अपने पास्ट में, वो वही आप फ्यूचर में कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जो है होटल मैनेजमेंट की डिग्री करी, डिग्री करने के बाद आपने छोड़ दिया और आपका मन है कि मैं इंजीनियरिंग करूँ या फिर मैं जो है होटल अपना खोलूँ। आप अपना होटल नहीं खोल पाए डर के मारे कि कहीं पैसा बर्बाद ना हो जाए,
कहीं मैं इसमें पैसे लगाऊं होटल में, होटल ना चले, तो ये आपका डर है, थ्रेट है ये आपका, कि आप सोच रहे हो कि मेरा ये नहीं हो पाएगा। तो ये थ्रेट वो है कि जो आप करना चाहते हो वो आप सोचते हो कि ये नहीं हो पाएगा। आप सोचते हो कि मेरे से 18 घंटे की जॉब नहीं हो पाएगी। आप सोचते हो कि मैं गाड़ी चलाना सीख तो लूंगा बट मेरे से नहीं चलाई जाएगी, मेरे को डर है अंदर से कहीं मैं गाड़ी चलाते चलाते मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। ये सब जो है आपके थ्रेट है, और इसी से ही जो है आपकी स्किल जो है डेवलप होती है। एनालाइज करते हो और अपनी स्किल को डेवलप करते हैं इन्हीं चार चीज़ों से जो मैंने आपको बताया, SWOT। ये चीज़ अगर आपने जो है अपने ऊपर काबू कर लिया, अपने या आपने इसको आजमा लिया और आपने इसी पे जो है फोकस करना स्टार्ट कर दिया अपने आप पर कि मेरे को जो है ये करनी है, स्ट्रेंथ आपको आपकी अच्छी होनी चाहिए, वीकनेस जो है आपको वीकनेस को पॉजिटिव में करना है और उसको अपॉर्चुनिटी में डेवलप करना है, और जो आपका थ्रेट है वो आपको जो है पॉजिटिव में सोचना है, तो आपकी ये तीनों जो चारों चीज़ हैं SWOT ये आपके काम आएगी आपके फ्यूचर के लिए, और ये आपकी स्किल है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।